राजस्थान पास आए हैं, क्या वजह है, क्या चाहते हैं? देखिए, राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, 4.5 सालों में इतना ज्यादा हो चुका है ये कि रोजाना कम से कम 20 इंसिडेंट्स, रिपोर्टेड इंसिडेंट्स होते हैं महिला अत्याचार के। तो यही कहना चाहूंगी मैं वहाँ की गहलोत सरकार से, कांग्रेस सरकार से, कि आप क्या कर रहे हैं? जब महिला की इज्जत मुकती है या महिला के साथ कुछ भी इस तरह की घटना होती है, तो आपका जो वहाँ प्रशासन है, आपकी सरकार है, वो कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? लगातार वहाँ पर राजस्थान में ये हो रहा है। राजस्थान में तो हम लोग सड़कों पे बहुत बार उतरे, कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने इस्तीफे की बिल्कुल मांग करते हैं। और जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को जाती है, लेकिन राजस्थान की लड़की क्या वो लड़की नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? उसके लिए कब आएंगे? एक भी बार गांधी परिवार जो जहाँ पर भी हादसा हुआ है वहाँ नहीं गया, पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने आया, उसको न्याय नहीं दिलाया। तो इस तरह की सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। महिलाओं के अस्पत लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संतों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सौ ब्लॉक है, 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 है। ममता बनर्जी है, 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 है। लोकतंत्र के हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अत्याचार नहीं चलेगा राजस्थान। सरकार वो सरकार।